हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी ट्रेडर राम। निफ्टी ट्रेडर राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल की वीडियो में हमने बात किया था कि मार्केट एक बाउंस बैक दे सकता है और उसका लेवल भी हमने वीडियो में बात किया था, आप जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा अपसाइड जाने के चांसेस नहीं थे क्योंकि वहाँ पर प्रो क्या थे, अभी पुट की बाइंग की पोजिशन क्लोज नहीं किए थे। तो आज अगर देखा जाए यहाँ पर इनिशियल में जो आपको सबसे पहला 21,996 का न्यूट्रल पॉइंट था, इसके बाद सपोर्ट 21,900 आपको 92 था। मार्केट यहीं से इसके आसपास से आया और वहां से फिर बाउंस बैक किया। अब देखें अपसाइड मार्केट यहां से 21,960 सपोर्ट था, रेजिस्टेंस न्यूट्रल पॉइंट 22,025 का था और आपको उसके बाद न्यूट्रल पॉइंट और ऊपर शिफ्ट हो गया 22,050 का। यानी मैसेज करते करते यहाँ पे क्या है, हमको पहले पता चल जाता है जब न्यूट्रल पॉइंट ऊपर शिफ्ट होता है। इसके बाद आप देखें कि जो मंथली रेंज था वो 22,440 का, यानी अगर इस मंथ का यानी मई मंथ का अगर आप मिड पॉइंट देखें, जहाँ पे मिड पॉइंट है निफ्टी का, वो 22,440 है और -10%, यानी कल 12% था। यानी इसका मतलब क्या है, -10% 22,440 का अगर 10% निकालते हैं तो लगभग 244 पॉइंट्स क्या है यहाँ से मार्केट नीचे अभी मैक्सिमम जा सकता है। तो एक बार ये क्या है 200 के आसपास मार्केट को आना चाहिए और मार्केट आज भी वो क्या किया, बाउंस बैक करके आया भी लगभग, तो हाई लगाया 140-150 का, यहाँ पे 141 का हाई लगाया यहाँ पे। यानी ओवरऑल ये डेटा आपको सजेस्ट कर देगा कि कहाँ जाना। निफ्टी 22,140 ये देखिए मैंने लेवल दिया था, शायद 22,131 का यहाँ पे हाई लगाया था। यहाँ तक 9:59 को ये डाटा इंडिकेशन कर रहा था कि एक बार यहाँ तक निफ्टी आएगा। इसके बाद यहाँ पे 22,058 का फिर से न्यूट्रल पॉइंट था और धीरे धीरे न्यूट्रल पॉइंट अब देखें तो नीचे थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा था, यानी नीचे आ रहा था। अभी देखिए 22,025 का हो गया था और क्लोजिंग क्या है आपको 22,058 के पास ही दिया मार्केट ने लगभग। तो न्यूट्रल पॉइंट इंडिकेशन करता है इनिशियल से ही कि मार्केट को कहाँ रहना है। नीचे भी आया फिर भी मार्केट क्या है, ऊपर जाके क्लोजिंग किया। अब यहाँ थोड़ी डेटा की बात कर लेते हैं कि देखिए डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है लाइव का और आपको देखिए एंड ऑफ द डे का डेटा। तो अगर देखें 22,055 के पास क्लोजिंग दिया है, एवरेज 22,138 का फ्यूचर का है। रिटेल ट्रेडर द्वारा आज लॉन्ग और शॉर्ट दोनों साइड पोजिशन क्लोज किया गया, थोड़ी सी शॉर्ट उन्होंने ज़्यादा क्लोज की 26,000 का। लॉन्ग जो है वो 2,14,000 से 2,30,000 हो गया, यानी थोड़ी सी लॉन्ग इनकी पोजीशन बढ़ गई। फ्यूचर में उन्होंने थोड़ा सा क्या किया और पोजीशन बना लिया। DI ऑलरेडी 29,000 यहाँ पे क्या है जो है वो शॉर्ट करके बैठा हुआ, यानी 2,000 आज उसने फ्रेश शॉर्ट बनाई है। FII बहुत ज़्यादा पोजीशन में 1,58,000 पोजीशन एक किया है, शॉर्ट किया है। तो जब भी FII का पोजीशन इतना ज़्यादा होता है, यानी आपको 1,50,000 के आसपास हो जाता है, तो मार्केट वहाँ से रिवर्स करता है जहाँ तक मैंने देखा है। देखिए मार्केट में कोई 100% आप कहिए कि होली ग्रेल रूल नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्या करता है, मार्केट रिवर्स करता है। यानी ये आप वही पिछला रूल कि जब भी ये इतना शॉर्ट करेंगे उसके लगभग 8 to 10 times क्या करते हैं, कॉल बाई करके जाते हैं। तो वो कॉल बाई आपको दिखेगा नहीं, कैसे दिखेगा, मैंने एक वीडियो पोस्ट कर रखा है, अब मैं बताऊँगा अभी कल डिटेल में उसके बारे में फिर से। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, 1,58,000 शॉर्ट पोजिशन बना हुआ है। अब देखिए मार्केट अगर शॉर्ट है तो इनको बहुत ज़्यादा गिर जाना चाहिए, आप खुद समझिए, इतना अगर शॉर्ट करके बैठा हुआ है तो मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, वो अपनी हेजिंग की पोजीशन रखते हैं। तो ओवरऑल देखिए 3,30,000 इनके पास शॉर्ट है, 1,71,000 लॉन्ग है। तो नेट टू नेट आपको 1,58,000 जो है वो शॉर्ट पोजिशन है, 41% यहाँ पर बैठे हुए हैं, यानी 20% ज़्यादा ये शॉर्ट करके बैठा हुआ है। प्रो भी 41,000 में शॉर्ट में यहाँ पर बैठा हुआ है। तो ओवरऑल तीनों यहाँ पे बड़ा प्लेयर क्या है, वो बेयरिश है। आज प्रो ने थोड़ी सी यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बुक किया, ऊपर मार्केट गया तो, और FII ने दोनों तरफ से पोजीशन बनाई, तो FII का लगभग न्यूट्रल पोजीशन है। अब इसकी पोजीशन FII की जो बनी है वो कहाँ पे बनी है, अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में देखा जाए तो मात्र आज बहुत ज़्यादा पोजीशन चेंज, निफ्टी में उन्होंने 3,900 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग किया और बैंक निफ्टी में पोजीशन शॉर्ट किया गया। तो नेट टू नेट 2,000 यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बन रहा है। अब अगर स्टॉक्स फ्यूचर में देखा जाए 39% रिटेल ट्रेडर बुलिश हैं और DI 56%, FII 7% लॉन्ग, प्रो 9% लॉन्ग। तो इनके डेटा में बहुत ज़्यादा चेंजमेंट आज नहीं हुआ है।
बहुत ज़्यादा चेंज। अब ऑप्शंस में देख लेते हैं, ऑप्शंस का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। क्या मार्केट ऊपर जाएगा? अगर जाएगा तो सबसे पहले क्या है कि हमारे प्रो के पास पुट की बाइंग की पोजीशन है, वो क्लोज होना चाहिए। एक क्लोज है, आप देखें बहुत दिन से प्रो क्या है पुट की बाई करके चल रहा है 3 to 4 days से, और मार्केट को नीचे रख रहा है। तो इसके डिटेल में हम आज एनालिसिस करेंगे। आज अगर देखा जाए 10,54,000 प्रो ने क्या ये रिटेल ट्रेडर ने कॉल की बाइंग की, और 11,53,000 ने कॉल की सेलिंग किया। तो नेट टू नेट में 99,000 कॉल की सेलिंग यहाँ पे आज इनकी हुई फ्रेश, जबकि पहले से इनके पास 2,62,000 बाई था। 2.62 यानी ये लाख में बाइंग था, उसमें से आप 99 माइफ करते हैं तो 1,62,000 अभी भी पोजिशन क्या होता है बाइंग की बनता है। यानी रिटेल ट्रेडर अभी भी कॉल के तरफ जो है वो लॉन्ग है, कॉल को वो बाई करके गए हैं। और पुट साइड 10,52,000 इनके पास जो पुट की राइटिंग थी वो 9,58,000 हो गया, यानी 1 लाख के करीब उन्होंने पोजिशन आज जो है वो ज़्यादा बनाई शॉर्ट में। तो आज देखें यहाँ पे कि 9,79,000 उन्होंने पुट की बाइंग की, 8,82,000 उन्होंने क्या किया सेल किया। बाइंग की यहाँ पे पोजीशन उन्होंने थोड़ी सी बढ़ा दी जब मार्केट ऊपर जा रहा था, इसलिए ये जो सेलिंग की पोजीशन है वो थोड़ी कम हो गई यहाँ पे। यानी अगर आप एक लाइन में कहें तो रिटेल ट्रेडर कॉल बाई करके गए हैं और पुट यहाँ पे सेल करके गए हैं, जो एक सीधा सीधी बेरिश बुलिश इंडिकेशन दे रहा है, सीधा सीधा स्ट्रॉन्ग बुलिश इंडिकेशन दे रहा है नेट टू नेट। लेकिन ये आपको देखना जरूरी है कि उनकी आपको आरओसी क्या हुआ है, आरओसी रेट ऑफ चेंज क्या हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है रेट ऑफ चेंज का। डीआई एक्टिव नहीं रहते हैं उतना, अभी भी 2 लाख उनके पास पुट की बाइंग पड़ी हुई है। एफआईआई के पास कॉल में न्यूट्रल पोजिशन है आप देखें, तो ये कॉल बाई किया हुआ है दोस्तों 12,57,000, और 12,49,000 सेल भी किया है। तो यहाँ पे आपको ये दिखेगा कि उन्होंने बाइंग किया है, एट 12 लाख इनके पास बाइंग की पोजीशन पड़ी हुई है, लेकिन वो बाई कौन से स्टाइल प्राइस पे किए हैं। सपोज दैट कि फार आउट ऑफ द मनी ये जाके अगर वहाँ पे सेल कर देते हैं, यानी अगर 23,000 के अगर स्टाइक प्राइस पे उन्होंने सेल किया, या 50,000 के स्टाइक प्राइस पे, या 51,000 के स्टाइक प्राइस पे उन्होंने कॉल सेल की, तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो आपको वहाँ पे दिखेगा, लेकिन वो उनकी कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो मार्केट का डायरेक्शन का नहीं है। और उन्होंने अगर बाई 22,100 या 22,300 के आसपास कर दिया, तो बाइंग की पोजीशन ये उनकी मार्केट का डायरेक्शन है, सेलिंग का पोजीशन नहीं। ये आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअल में पोजीशन कहाँ पे बना है। सेम पुट साइड भी ऐसे ही आपको देखना पड़ेगा, जब 15 लाख उन्होंने बाइंग किया है, 10 लाख सेल भी किया है, तो ये भी पोजिशन आपको देखना पड़ेगा। ये हम आपको डिटेल में कल ऑप्शन चेन में बात करेंगे इसके बारे में। आई होप कि थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों को बताइए, ताकि मार्केट में डेटा की समझ आपको हो सके, खुद की एनालिसिस आप कर सकें, लॉस होने से आप बच सकें। दोस्तों मेरा यही मोटो रहेगा। तो अभी यहाँ पे कॉल साइड ये न्यूट्रल है, पुट साइड इनके पास 4,66,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है। अब देखिए क्या हुआ, उन्होंने 1,58,000 यहाँ पे फ्यूचर में भी शॉर्ट हैं और पुट भी बाई किए हैं, तो मार्केट तो पूरा क्रैश हो जाना चाहिए। मार्केट आप खुद समझिए कि मार्केट क्रैश हो जाना चाहिए कि नहीं, आप खुद बताइए। लेकिन उनके पास कहीं ना कहीं बाइंग की पोजीशन पड़ी हुई, तब आज मार्केट ऊपर गया है। और अभी भी ये अगर आप सिंपल टर्म में देखें तो यहाँ बेयरिश पोजीशन ये कैरी कर रहे हैं, अगर आप सिंपल टर्म में देखना चाहते हैं। लेकिन मैं इस डेटा को किसी और तरह से देखना देख रहा हूँ, जो मुझे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया दोस्तों। बाकी एनालिसिस आपकी है, आप खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं। प्रो अभी भी क्या है, जो उसके पास 3,20,000 यहाँ पे कॉल की राइटिंग पड़ी हुई थी, उसमें से उसने आज क्लोज कर दिया 1,27,000, 1,47,000 यानी के करीब यहाँ पे पोजीशन क्लोज किया गया। 1,72,000 पोजीशन अभी भी बना हुआ है, यानी 1.72 लैक्स है यहाँ पे, जबकि पुट साइड 2,86,000 इसके पास बाइंग है, जो कल 3,27,000 था। तो आज उसने क्या किया, थोड़ी सी सेलिंग यहाँ पे बढ़ा दी है, तो नेट टू नेट 2,86,000 अभी भी वो बाइंग करके जा रहा है। जब तक ये पोजीशन इसका क्लोज नहीं होता है या फिर वो कॉल की बाइंग नहीं करता है, तब तक मार्केट में बहुत ज़्यादा अपसाइड होने के चांसेस नहीं है। आ सकता है अपसाइड तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं होगा, जैसे आज गया भी 22,131 के पास, तो वहाँ से एक अच्छा देखिए 100 पॉइंट्स का डाउन साइड आ गया, यानी ये अपनी तरफ ये अभी भी खींचेंगे। तो प्रो का डेटा यहाँ पर बियरिश है। चलिए अब हम यहाँ पर कुछ स्ट्राइक प्राइस की भी बात कर लेते हैं कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पे इन्होंने सेल किया है।
21,954 का यहाँ पे अभी क्या है सपोर्ट, रेजिस्टेंस 22,096 का, न्यूट्रल पॉइंट 22,525 का है, क्लोजिंग वहाँ से लगभग 30 पॉइंट्स का ऊपर दिया है मार्केट ने। अभी भी देखा जाए तो 65% राइटर के हैं वो बैठे हुए हैं कॉल में, आईटीएम के पास 75% कॉल में है, एटीएम में 73 यानी ज़्यादा यहाँ पर राइटर हैं, और बायर भी 69% यहाँ पर बैठा हुआ है। तो ओवरऑल ये ऑप्शंस का डेटा यहाँ पे बीरे से 22,100 के पास ग्रेविटी है, क्लोजिंग मार्केट पे वहीं आया। शॉर्ट कवरिंग पॉइंट 22,500 का है यहाँ पे, तो अभी शॉर्ट कवरिंग पॉइंट काम नहीं करता है, इसको देखेंगे हम थर्सडे के दिन। चलिए, बैंक निफ्टी 47,375 का सपोर्ट, रेजिस्टेंस 47,530 का, न्यूट्रल पॉइंट 47,454, क्लोजिंग उसी के पास दिया है। यहाँ पे भी 70% राइटर है वो कॉल में बैठा हुआ है, बायर 61% कॉल में बैठा हुआ है, यानी राइटर यहाँ पे भी ज़्यादा थोड़ा सा है कहाँ पे कॉल में, और 47,400-500 के पास ग्रेविटी है जहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। तो ओवरऑल डेटा यहाँ पे आपको बेरिश इंडिकेशन कर रहा है। मिड कैप निफ्टी 20,975 सपोर्ट, रेजिस्टेंस 21,182, क्लोजिंग जहाँ पे है मार्केट की वहीं हमारा न्यूट्रल पॉइंट है। 62% राइटर यहाँ पे कॉल में, बायर 56%, तो स्लाइटली यहाँ पे मैंने दोनों साइड में आप देखें आईटीएम ओटीएम एटीएम में दो आपको बुलिश दो बेरिश है, तो ये एक न्यूट्रल इंडिकेशन दे रहा है। 22,100 का यहाँ पे ग्रेविटी है, क्लोजिंग उसी के पास दिया। दोस्तों ये वीकली रेंज है, आप इस रेंज को भी मॉनिटर कर सकते हैं। और मिड कैप निफ्टी देखा जाए तो 51% राइटर पुट में है, 69% बायर है, ये यहाँ पे बुलिश है, सपोर्ट रेजिस्टेंस न्यूट्रल पॉइंट देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए अब थोड़ी सी हम यहाँ पे प्राइस एक्शन भी देख लेते हैं कि मार्केट में क्या अभी सपोर्ट कहाँ पे ले रहा है निफ्टी। ओवरऑल निफ्टी का सपोर्ट जो हमने बात किया था 21,967, ये सपोर्ट था निफ्टी का, और यहाँ से मार्केट फर्स्ट कैंडल ऊपर गया, यहाँ फिर ये लेवल टच नहीं किया, यानी अभी आप देखें तो 22,054 का न्यूट्रल पॉइंट है, यहीं पे क्लोजिंग दिया है। एक बार आपको मैक्सिमम जो रिटेस्ट कर सकता है 21,960 फिर से 7, या फिर 21,980 का रिटेस्ट कर सकता है मैक्सिमम डाउनसाइड। अब वो रिटेस्ट करके आएगा तो इसका टारगेट हो जाएगा सीधा 22,100 और 22,240 का, ये दो टारगेट हो जाएंगे ऊपर के लेवल में हमारे निफ्टी का। और अगर वो एक्सटेंड होता है तो मैक्सिमम एक्सटेंड 21,885 तक हो सकता है, कौन सा 21,967, ये एक्सटेंड होगा तो मैक्सिमम एक्सटेंड। अब इसके साथ बैंक निफ्टी देखा जाए तो बैंक निफ्टी हमने क्रिटिकल जोन में जो 47,449 का जोन में क्लोजिंग है यहाँ पे दिया, इसको अपसाइड होने के लिए 47,520 के लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा एक बार अच्छे वॉल्यूम के साथ, फिर इसका टारगेट 47,890 का हो जाएगा अपर साइड का। और ये एक्सटेंड होगा अगर 47,450 का लेवल 47,265, यहाँ पे आप क्या है एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी खोज सकते हैं अगर डेटा सपोर्ट कर रहा है तो। मिड कैप निफ्टी एंड फिन निफ्टी अपने सपोर्ट के पास है, फिन निफ्टी में बहुत ज़्यादा अभी नीचे जाने के चांसेस नहीं है, यहाँ से इसका पुल बैक आएगा 21,200 का, जो कि अभी 21,050 यानी 21,055 का यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है। डेटा न्यूट्रल है, फिन निफ्टी का हो गया। अभी मिड कैप निफ्टी देखें तो ये 10,850 का सपोर्ट, इसका रेजिस्टेंस 10,940-920 का। डेटा मिड कैप निफ्टी का बुलिश है। FII कैश में थोड़ी सी यहाँ पे सेल किए हैं लगभग देखें तो 2,100 करोड़। आई होप कि दोस्तों ये सब कुछ डेटा आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ा समझ में आया होगा, जहाँ नहीं समझ में आता है एक बार जरूर हमें मैसेज करिए, लाइव का डेटा आप जरूर फॉलो करिए, क्योंकि हम देखिए रिटेल ट्रेडर हैं, हमें अपनी औकात पता होना चाहिए दोस्तों। औकात हमारा यही है कि जब तक बड़े प्लेयर पोजिशन ले बुलिश बैठे हैं बुलिश में बैठिए, बेरिश में बैठे हैं बेरिश बैठिए, कभी अपनी औकात नहीं भूलिए, उसमें मैं भी शामिल हूं दोस्तों, नहीं तो हम मार्केट में लॉस करते रहेंगे। स्टॉप लॉस डाल के करिए, छोटा ट्रेड करिए, जिस दिन लॉस हो जाए उस दिन बंद कर दीजिए ट्रेडिंग, कोई जरूरत नहीं है, कल भी आपको मार्केट यहीं पर आएगा दोस्तों, पैसा आपका है जरूर सेव कर करके। मिलते हैं कल एक और लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के द्वारा बनाया गया, इसके आधार पर कोई भी बाई सेल या होल्ड ऑप्शन क्रिएट ना कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिए, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के सलाह पर बाई सेल करिए दोस्तों।
ये हो सकता हो कि मेरे एनालिसिस 100% भी गलत हो सकता है, तो अपनी खुद जरूर एनालिसिस करिए। मैं डेटा आपको इसलिए बताता हूँ ताकि आप इसको थोड़ा सा समझ सकें। बहुत